तो दोस्तों एक बार फिर तुहाडा सारिआं दा तुहाडी अपनी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब ते स्वागत है। अज गल करांगे पंजाब दी सब तो वड्डी खबर ते। पंजाब दे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने सिद्धी धमकी दे दित्ती मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं कि अगर तुसी नहीं सुधरे तो मैं तुहाडे ते फौजदारी मुकदमा कर देंगा। और वो मुकदमा की है दोस्तों, बहुत सीरियस इशू है। क्यों लोड़ पई गवर्नर हुए धमकी देण दी? कारण पांच चिट्ठियां गवर्नर भगवंत मान मुख्यमंत्री नूं लिख चुके ने पिछले कुछ महीनों में, पर एक भी चिट्ठी का जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिता। हुण एक बारी फिर अज चिट्ठी लिखी आ। आखिरी चिट्ठी 1 अगस्त नूं लिखी गई सी, उस तो बाद हुण अगली चिट्ठी आखिरी। ये च दो वड्डियां गल्लां ने। पहली गल कि अगर तुसी पंजाब दी हालात ते गौर नहीं करोगे तां मैनू मजबूर हो के राष्ट्रपति नूं गवर्नर राज दी सिफारिश करनी पएगी। और इत्थे ही गवर्नर नहीं रुके, अगली गल जिहड़ी कही है वो भगवंत मान लई खतरे की घंटी हो सकती है। गवर्नर साहब ने कहा कि मैं तुहाडे ते IPC मतलब इंडियन पीनल कोड की धारा 124 के तहत फौजदारी मुकदमा करांगा, परचा करांगा तुहाडे ते। हुण ये जांच लो कि IPC की धारा 124 की कहती है। उस लिखा होया असॉल्टिंग द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, स्टॉपिंग हिम फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज लॉफुल ड्यूटीज। मतलब एक राष्ट्रपति गवर्नर या एहो जे संविधानक पोस्टां ते बैठे व्यक्तियों नूं उन्हां दा काम करन तों रोक पाउणी, असॉल्टिंग उन्हां दीआं जिहड़ियां ड्यूटीज ने उन्हां ते हमला करना, असॉल्ट करना, उस तरह का असॉल्ट जिवें असॉल्ट राइफल हुंदी आ हमला करन वाली, ये बड़ी सख्त धारा है। इन्हां सख्त शब्दां दा प्रयोग गवर्नर पुरोहित ने पहली बारी कीता है। और ये अगर वो 124 धारा दे थले केस कर देंदे आ तो भगवंत मान दीआं मुश्किलां वध सकदीआं ने। सीधा सीधा गल ये है कि गवर्नर साहब का CM मान ते इल्ज़ाम है कि गवर्नर साहब जिहड़ियां अपनियां संविधानिक कारगुजारियां करना चाहुंदे ने उन्हां ते CM मान वल्लों हमला कीता जा रहा है। द CM इज असॉल्टिंग द गवर्नर। दोस्तों ये बहुत सीरियस चार्ज है। पहली गल थोड़ी जी मनी जा सकती है कि उहदे पिछे राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लैंदे आ। किते ना किते लगता यह आ कि भगवंत मान किसे ना किसे मजबूरी करके कुछ अजिहियां ताकतां दे हत्थां 'च कठपुतली बन के रह गया जिथे अपनी मर्जी नालों कुछ भी कर नहीं सकते। यार मामला की है, गवर्नर ने चिट्ठी लिखी है, तुसीं जवाब दे दिओ, जो भी देना, इग्नोर क्यों करते हो, पेंडिंग क्यों रखते हो? सिर्फ इस करके कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की नहीं बनती, उत्ते तुहाडा आमना सामना हुंदा रहिंदा कि इस करके जरूरी है तुसीं पंजाब 'च वी इवें करो? वो यूनियन टेरिटरी है, किस्म की स्टेट है छोटी, जिते दियां पावर्स होर किस्म दियां ने, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप बिल्कुल वखरा है। पंजाब फुल फ्लैग स्टेट है, इहदा अपना एक इतिहास है। बड़े बड़े गवर्नर इत्थे आए पर कदे भी अज तक इस किस्म का सनैरियो देखण नूं नहीं मिलिया।
इस किस्म दियां मजोरिटी पुराने जमाने सरदार प्रताप सिंह कैरों के वेले भी कांग्रेस पार्टी को होंदिया सी, पर कदे भी इन्ना हंकार उन्हां दे सिर चढ़ के नहीं सी बोलिया। मैनू याद है एक बार असी स्कूल पढ़ते 19 सैक्टर हायर सैकेंडरी स्कूल, मैं भंगड़े की टीम च हुंदा सी, 17 सैक्टर की ग्राउंड च 15 अगस्त वाले दिन भंगड़े दा स्कूलों दियाँ जड़ियाँ हुंदियाँ कंपीटीशन हुंदे आ, उहदे च कोई 15-16 स्कूलों ने हिस्सा लिया सी, जिहदे चों साडी टीम जिहड़ी सी भंगड़े की वो फस्ट आई सी। बड़े उस वेले दे जिहड़े अज भंगड़े दे सरताज ने जिन्हां ने बहुत नाम कमाया, उहनां चों बहुत सारे उस टीम विच शामिल सी। मैनूं भी मौका मिलिया उस टीम शामिल होण दा। उस समय पंजाब दे गवर्नर पट्टम थानू पिल्लै, मैनूं अज वी नाम याद, ओह केरला दे सीगे, ओह साडे नाल खड़े ने। उस तों थोड़ी देर पहलां ही शायद मुख्यमंत्री भी उस फंक्शन च आए सी, मैनूं पूरा याद नहीं, हो गए। लेकिन गवर्नर साहब इहो जिहियां एक्टिविटी च हिस्सा लैंदे सी, वह तस्वीर अज भी मेरे को पई है, एक यादगारी तस्वीर है। लेकिन ना तो गवर्नर च इन्नी आकड़ हुंदी सी, ना मुख्यमंत्रियों इन्नी आकड़ हुंदी सी। या इस बात नूं बात का बतंगड़ बना लेना उन्हां दिनां च असीं सुनिया नहीं सी। मैनूं यह भी याद है जदों उन्हां दिनां प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू चंडीगढ़ आए थी, ते असीं पूरा जिहड़ा मध्या मार्ग है उस लाइना ला के स्कूलों के बच्चे खड़े किए सी। उहदे च पहला प्रताप सिंह कैरों जदों जा रहे थे पंडित नहरू नूं रिसीव करन, वो एक ओपन गड्डी च जा रहे थे, कोई अगे पिछे मोटरसाइकिल ते दो सिपाही अगे सीगे पुलिस के, कोई एस्कॉर्ट गूं गूं टू टू गैं गैं कुछ नहीं सी। और जदों थोड़ी देर बाद पंडित नहरू वापस आए तो उस किस्म की एक पराई माउथ या डज कार सी कोई, उहदे पंडित नहरू खड़े आ, एक दो मोटरसाइकल वाले अगे दो पिछे, तो उस सड़क तो राजभवन वल गए। इन्नी सिंपलिसिटी, इन्ना सीधा साधा काम हुंदा सी उदों। खैर लोग भी चंगे सी, हालात भी चंगे सी, एक दूजे की इज्जत करते सी, ईगो ना की कोई चीज़ नहीं सी हुंदी, फालस ईगो तो किसी ने सुनी नहीं सी। हुण पता नहीं भगवंत मान की की समस्या है, क्यों वो इस टकराओ नूं वधाउणा चाहुंदे आ, और बार बार गवर्नर नूं मौका दे रहे ने कि वह अपनी किसी आई ते आ जाण। हुण गवर्नर ने सीधा कहता कि मैनूं मजबूर ना करो कि मैनूं तुहाडे खिलाफ राष्ट्रपति नूं चिट्ठी लिखनी पवे। इहदे पिछे राजसी एंगल हो सकदा। आने वाली पार्लीमेंट दीआं इलैक्शनां, लोक सभा दीआं चोणां, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति च लगदी नहीं, एक एक सीट ते वो दमखम नाल लड़न की कोशिश करनगे, इधरों उधरों जिथों भी सीटां आउंदियां बाई हुक और बाई क्रुक वो लैण की कोशिश करनगे। पंजाब च 2-3 सीटां लैण की उन्हां दी आशा बनती लगती है, अमृतसर गुरदासपुर हुशियारपुर इस तरह दियाँ, उत्थे वो पूरा जोर लाउणगे। लेकिन जदों एक सरकार हुंदी है तो उहदा दबदबा हुंदा, उहनां कोले पूरा सरकारी मशीनरी हुंदी है, उहदा इस्तेमाल ते दुर इस्तेमाल हुंदा, जिहड़ा असीं जलंधर दीआं जिमनी चोणां च देख लिया। उस तों बचण लई शायद केंद्र सरकार भूमिका तैयार कर रही है एन मौके ते थोड़ी देर पहला इलैक्शनां तो, क्योंकि अगर गवर्नर राज लगता तो 6 महीने लई लगता, इन्हां दे 92 MLA उत्थे काम नहीं आने। गवर्नर राज लाउण लई धारा 356 जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन दी है उहदे खिलाफ़ लाया जाता, वह भी गवर्नर साहब ने लिख दिता चिट्ठी च कि मैनूं धारा 356 का इस्तेमाल करन लई मजबूर ना करो। उहदे सब तो वड्डी समस्या आउंदी है लॉ एंड ऑर्डर की, जिहदे ते बड़ा जोर पा के गवर्नर साहब ने लिखिया कि पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर अमन अमान की स्थिति बराबर नहीं है। अगर वो
इलैक्शन अगली मार्च अप्रैल से होंदियां लोक सभा दियां। उदू 6 महीने पहला पंजाब गवर्नरी राज लाया जा सकता है। अगर ये टकराओ इस तरह बनया रहा लोक सभा दियां चोणां गवर्नरी राज थले कराउण नाल बीजेपी का फायदा हो सकता है, इस कोई दो रावां नहीं। खैर ये अजे थोड़ा वक्त है उस दिस पर जिहड़े इशू गवर्नर साहब ने रेज किए उन्हां नूं आपां अणदेखिया नहीं कर सकते। उन्हां दी चिट्ठी बड़ी क्लीयर कट है, वो कहिंदे आ कि बिफोर आई टेक द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 अबाउट द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म एंड टेक अ डिसीजन अबाउट इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी आई आस्क यू टू सेंड मी द रिक्वजिट इंफॉर्मेशन सॉट फॉर अंडर माई लेटर्स रेफर टू अबव एज ऑल्सो इन द मैटर ऑफ द स्टेप्स टेकन बाई यू कंसर्निंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स इन द स्टेट। नशे की समस्या को लैके बहुत वड्डा सवाल गवर्नर साहब ने उठाया, भाई पहला उन्होंने इशू लिया, दूसरा फेलिंग विच आई वुड हैव नो चॉइस मेरे कोई रस्ता नहीं बचना इस तो इलावा बट टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़े कलीर शब्दों बड़ी सीधी सादी भाषा एक अल्टीमेटम है मुख्यमंत्री लई कि तुसी सीधे हो जाओ नहीं तो सानू सीधा करना आउंदा है। हुण देखो उन्होंने ड्रग का मुद्दा क्यों उठाया। गवर्नर साहब कहते हैं कि बाउंड एज आई एम बाई द ड्यूटी प्लेस्ड ऑन द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सी दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरीड ऑन अ लेवल विच वुड बी रिकॉर्डेड एज गुड एफिशिएंट। आ जिहड़ी 3-4 गल्लां गवर्नर साहब ने लिखियां, मेरा ख्याल इन्हां गल्लां का जवाब भगवंत मान को है नहीं, इस करके वो तर्कते फिरते आ जवाब देन तो किहड़ियां गल्लां ने सुनो ध्यान नाल। लैवल विद वुड बी रिगार्डेड एज गुड एफिशिएंट इंपार्शियल एंड ऑनेस्ट एंड दैट द प्रपोजल्स एनंशिएटेड बाय द गवर्नमेंट आर नॉट कॉन्ट्रेरी टू द लॉ ऑफ द लैंड। के गवर्नर साहब ये मानते हैं कि भगवंत मान सरकार चंगी नहीं है, गुड नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, इन्हां दी कारगुजारी सही नहीं है, इंपार्शियल नहीं है और ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। मैं पक्का ईमानदार, मैं सब तो वड्डा ईमानदार, आम पार्टी सतेज दा पुत, इह दीआं गल्लां करन नाल ना तो लोगों का ढिड भरदा, ना कॉन्स्टिट्यूशन का ढिड भरना, ना कानून का ढिड भरना। हकीकत तो वो है जो सारिया नज़र आती है। इंपार्शियल एंड ऑनेस्ट, बिना किसी भेदभाव तो ईमानदारी रखनी, गवर्नर साहब कहते ये सरकार ये कम नहीं कर रही। उसके नाल नाल जो एक उन्होंने होर वड्डा सवाल उठाया वो बहुत सीरियस है। वो कहते पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जी हाउस में एक रिपोर्ट पेश की जिहदा आपां जिक्र थोड़े दिन पहले एक एपीसोड बनाया उस विच कीता सी कि पंजाब का हर पांचवा आदमी चारा तो बाद मतलब 20% पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, हाँ पंजाब का हर पांचवा बछिंदा ड्रग के नशिया की बीमारी नाल जूझ रहा, कोई ना कोई नशा करता या वड्डे लैवल से एडिक्टेड हो चुका ते अंडर ट्रीटमेंट आ। स्टैंडिंग कमेटी ने वो फिगर्स भी दित्तियां सी कि किन्ने लख लोग पंजाब के
डी एडिक्शन केंद्रां च ने जिहड़े प्राइवेटली रन आ ते किन्ने हज़ार उन्हां केंद्रां च आ जिहड़े सरकार चलाउंदी आ। खैर गवर्नर साहब ने उन्हां फिगर्स का जिक्र नहीं किया पर ओवरऑल स्टैंडिंग कमेटी की उस रिपोर्ट का जिक्र जरूर किया। उस ये भी कहा दैट आउट ऑफ एवरी 5% इन पंजाब 1 out of 5% इन पंजाब इज ईदर एक्सपोज टू ड्रग और ग्रैपलिंग विद एडिक्शन। किते किस्म का नशा जरूर लगा, गोली हो सकती है, टीका हो सकता, अफीम हो सकती है, एनी इंटॉक्सीकेंट। उन्हों का मतलब ये है ये करके इस ड्रग अब्यूज करके गवर्नर साहब कहते हैं कि पंजाब विच दीज स्टैटिस्टिक्स अंडर स्कोर द अलार्मिंग डिटेराइजेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फ्रेमवर्क विद इन पंजाब। डिटेरियोरेट हो रहा पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा, रसातल नू जा रहा, थले नू जा रहा, चोरियां चकारियां बढ़ रही, खून खराबे हो रहे हैं, लोगों औरतों दिया वालियाँ चूड़ियाँ चेनियाँ खिंचिया जा रही, मोटरसाइकिल स्कूटर स्कूटियां दी चोरियां हो रही, ATM ते डाके पै रहे हैं, पेट्रोल पंपा तो कैश लुटिया जा रहा, चलदियाँ गड्डिया चो बंदियां नू ला के छड़ दिंदे ते कार लैके भज जांदे आ, लोगों तो हफ्ता वसूली हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, बैंकों दिया कैश बिना लुटिया जा रही। ये सारिया गलों का जिक्र करते हुए गवर्नर साहब ने कहा था द सिचुएशन हैज़ एक्सेलेटेड टू द एक्सटेंट दैट विलेजर्स आर नाउ एंगेजिंग इन इट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूँ लगता जिवें सरकार अपनियां जिम्मेदारियां तो भज चुकी है तो हुण पेंडुआं नूं पिंडां च रहण वाले लोगों नूं अपने लैवल ते कम करना पै रहा, वो काम जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन नूं करना पैंदा करना चाहिदा, वो काम लोग अपने हत्थ च लै रहे आ, पिंडां पिंडां विच घरां घरां वो अपनी टास्क फोर्सां बना रहे ने नशे के खिलाफ लड़न लई। लोगों दीआं लिस्टां पुलिस नूं दित्तियां जांदियां ड्रग वालियां दीआं, कोई एक्शन नहीं हुंदा। बड़ा वधिया सेंटेंस लिखिया गवर्नर साहब ने द विलेजेस आर नाउ एंगेजिंग इन सिग्निफिकेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट एंड टेकिंग मैटर्स इन टू देयर ओन हैंड बाई एस्टैबलिशिंग विलेज डिफेंस कमेटीज टू शील्ड दैमसेल्व फ्रॉम ड्रग मैनेज। ही पॉइंटेड आउट कि नशे की बीमारी तो अपने आप को बचाने लई लोगों को अपना राह आपे लभना पै रहा, मतलब सरकार अपन जिम्मेदारियों तो भज रही है। हुण लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी स्टेट की खराब होंगी है तो प्रेजिडेंट नूं लाया जा सकता। गवर्नर साहब ने पूरी चिट्ठी जिहड़ा अमनो अमान का जिक्र सब तो वध के किया वह शायद इस गल वल इशारा कि जे सरकार होर लंबा समा चलती रही तो पंजाब अमन शांति भग होएगी, खून खराबा वधेगा। इस करके एक बारी टैंपरेरली 6 महीनों लई राष्ट्रपति राज लगा दिता जाए। ये गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी और नाल दी नाल गवर्नर साहब ने यह भी किया कॉशन, एक वार्निंग दिती है मुख्यमंत्री नूं, जे कोई टाइमली रिस्पोंस उन्हां दियां कम्युनिकेशन जिहड़ियां चिट्ठियां गवर्नर साहब ने लिखियां उन्हां दा जवाब नहीं दिता जांदा तो ये उन्हां नूं एक्शन लैणा ही पवेगा। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया कह दिओ, हुण होर बर्दाश्त नहीं हो सकता, हुण देखना पवेगा कि भगवंत मान दा इहदे ते की जवाब है, जां फिर कोई मसखरिया वाग कोई टिचर जी करके ये चिट्ठी नूं भी जिहड़ी इन्नी सख्त है स्ट्रोंगली वर्डड है एक धमकी भरिया हथ भी है कि इहनूं भी भगवंत मान एक होर प्रेम पत्र कह के खेली उड़ा देणगे, लव लैटर, पता नहीं
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਨੀਮੂਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਏ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਰੋਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਨੀਮੂਨ ਮੂਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਹੈ MLA ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਆ 30-32 ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ MLA ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਦੀ MLA ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਕਿ 700 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, 800 ਫੜ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ AIG ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮਰ ਕੋਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਜਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫੋਰਮਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਹਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ 1-2 ਵਾਰੀ, ਜੋ 1.5 ਵਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1.25-2 ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੀਡਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਨੀਮੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਝਾੜੂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ, ਇੱਕ ਏਮ ਰੱਖਣਾ, ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਉਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਗੀਆਂ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਲਵ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਵ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਵਾਪਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਠਾਸ 'ਚ ਬਦਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਦੂਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।